हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अभी बंगला मुखी माता के मंदिर में आया हूं और ये बंगला मुखी माता का नजारा है और वीडियो ले लिया गया है, दिखाया जाएगा। और मैं आप सबको दिखाऊंगा कि ये हमारे भैरव जी हैं, काल भैरव मेरे भैया। मज़ा आता है बोलने में और उनको देखने में भी मज़ा आता है। और यहाँ का जो मंदिर है बहुत ही पावरफुल मंदिर है माता का। हालांकि मैं कल आया यहाँ पे, 5 बजे आ गया और यहाँ पे मैं रुका हुआ था। माता ने मुझे वहाँ पे ही एहसास करा दिया था कि बेटा मेरे पास आ गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये सब जो देख रहे हैं, मैं हर एक यात्रा के दरमियान में जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सनातन सत्य के बोध के लिए थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ मैं, ताकि आप देखें उसे, समझें कि हमारा सनातन सत्य क्या है। ठीक है, और ये बंगला मुखी माता का मंदिर है मेन। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे, और यहाँ पे होम हो रहा है, पीछे होम हो रहा है, ये सब भी आप देखें। ये सिर्फ आप सबके लिए बनाया जाता है, बाकी आपको देखना है, आपको समझना है सत्य क्या है, असत्य क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है। जय माता दी, जय भैरव। Thank you.
दोस्तों, जो मैंने आप सबको बंगलामुखी माता का जो मंदिर दिखाया है और यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है उसमें जो माता रानी वास करती हैं और यहाँ शक्तियों से भरपूर मंदिर है, यहाँ पे काल भैरव हनुमान जी सब विराजमान है। माता रानी यह समझ लो कि आपको देख रही है और जब आप उनको देखते हैं तो एहसास हो जाता है कि मैया बैठी हुई है। ठीक है, तो यह हिमाचल में पड़ता है बंगलामुखी मंदिर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा, और अंदर की वीडियो तो मैंने आप सबको दिखा दिया है फिलहाल, और ये लास्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि ऊपर से भी देख लें आप यहाँ का नज़ारा, आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, बाकी माता रानी अपने तरीके से काम करती हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि इस जगह पे भगवान विष्णु जी ने माता रानी का आवाहन किया था बंगलामुखी का, जब सौराष्ट्र में बहुत भारी तूफान आ गया था उस दरमियान में यहाँ पे आवाहन किया था बंगलामुखी माता का, उस तूफान को माता ने रोक दिया था। ये वही माता है जब त्रिलोकी नाथ जब यहाँ पे आके आवाहन कर सकता है तो हम लोग इनके बच्चे हैं, हमारा तो फर्ज बनता है। ठीक है, और ये बहुत ऊंची झंडे हैं जो माता के नाम का है। ठीक है, और आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय बंगलामुखी माता, जय भैरव। अब यहाँ का यात्रा हो गया, अब यहाँ से सीधा निकलना है मुझे मैहर शारदा माता के पास। ठीक है,